का, औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है, अल्लाह के नबी ने तो कहा निसा उनका सियातुन आरियातुन। एक ऐसा जमाना जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी, कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा, यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा ले कि इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है, अब हमारे यहां नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है, हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा, अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीखी रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाजा युजहिज़ो तजहीज, उस सामान को कहते हैं जो मैयत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़ उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज, मरने वाले के साथ जो सामान जाता है कफन अफन वगैरह चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मैयत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो तो कल शादी करे और फिर जहेज ले ले, ये सुनने के बाद भी। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है? पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब, लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में शादी कैसी होती थी? वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहबुलक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको मेहर में? ये नहीं पूछा लड़की से है तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को? ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको मेहर में? कहता मेहर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए इस्लाम, कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो कुछ नहीं है, घर जाओ शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। घर गया,
अपनी मां से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है, पता चला कुछ नहीं है। आया अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज़ नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने लगे कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या, 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमा मिन अल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी, अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ पूछता हूँ, मामूली चीज होगी घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते माँ वजद तो खातमा मिन अल हदीद, अय अल्लाह के रसूल घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे हैं कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा, अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूँगा बैठ के जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूँगा, कुछ मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूँगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाए अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा कह तो दिया नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है। कहा नहीं है। कहा अच्छा सोचो एक बार और सोचो, कुछ है? दिमाग दाम कहाँ, हाँ है। कहा क्या है? इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है एक, ऐ तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो, जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई, आधा दोगे बेचारी, आधा के आधा का क्या करेगी वो, आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे, तुम्हारे किस काम का? का किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे, बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का, नहीं नहीं ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें, पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना, ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे, जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं, इतना गरीब घर का सहाबी। लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह जबानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा, आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर भी, फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह
نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے، اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابھرنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں ہیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے۔ معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے، دین معتدل، اعتدال، جس کے اندر میاں نہ روی ہو، جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو، اعتدال، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے، جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے۔ جب تک ہم بیٹھے ہیں تب تک آپ بیٹھے رہیے۔ سنیے، اچھا پنڈال ہے، وارڈر پروف پنڈال ہے، آپ لوگ ڈریے نہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں، آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے۔ جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے، جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے، جو ایمان جس کے دل میں وہ بیٹھے، جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے، جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے۔ میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی، اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو، ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو، وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آج کے انگاروں پر جس کے پیر، جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد، پانچ چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔
इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया, बल्कि कहा फैजा कुजियत सलातु फंतशरू फिल अर्ज, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो, और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने यह शिक्षा दी है, नमाज फर्ज है लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है, आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है लेकिन लिमिट नहीं है, ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है, कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी, सोना और चांदी नहीं है लेकिन पैसा है, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी, आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियाँ होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी, आपके पास बकरियां कितनी हैं कि तलाब जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, आप खेती बाड़ी करते कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे, बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है, बारिश नहीं हुई है आपने पैसा दे दे कर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है, मौका नहीं है कि सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए, आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं, एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और ख़रीद रखे हैं उस पर ज़कात है या नहीं, अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे तो बेचने की नीयत से जो आपने ज़मीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, है तो कितनी है, आप कपड़े का कारोबार करते हैं उस पर ज़कात है या नहीं, जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं, दुकान पर जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं, ये तमाम चीज़ें इस्लाम ने बता दी हैं, इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो कुछ नहीं, करोड़ों वाला 1 रुपया देके भी निकल जा, हो गया, लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2500 देना पड़ेगा, 2500 अगर 2400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं, याद रखिएगा, 1 लाख है 2500 आप पर ज़कात बन रही है, अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं, इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे किताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा, अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं, ये बड़े बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो ज़बरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है वो कहेगा बे आज तो मौलवियों को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास लेने, बैठो 10 बजे उठेंगे, साफ सो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुंचाने की, ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर, और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह आना, जाओ 10 बजे आना, अभी हम सो रहे हैं, ये ज़मीन कहीं फट ना जाए, और आए अमीर आदमी आए चौधरी कहीं तो इस ज़मीन के अंदर धस ना जाए, धस ना जाए।